हेलो एंड वेलकम गाइस, सर मैं सर आप देख रहे हैं टेक्टो। तो गाइस टुडेस वीडियो मैं अपनी तरफ से मतलब जितना मुझे पता है जहां तक मैंने जाना है और मेरे प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि वीपीएन क्या चीज़ है। तो गाइस कल शाम को मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि ये वीपीएन क्या है। रिसेंटली वैसे मैंने वीपीएन से रिलेटेड एक पोस्ट लिखी थी अपने ब्लॉग पे, तो मैंने उसको उसके बारे में मतलब उसका लिंक शेयर कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो गूगल यूट्यूब पर सर्च करते हैं। मैंने सर्च किया और काफ़ी लोगों ने काफ़ी डिटेल्स भी बताया, काफ़ी अच्छी तरह से बताया। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि जब आपको कोई चीज़ बहुत डिटेल में समझा जाती है तो आपके पल्ले नहीं पड़ती। तो मैं सोचा क्यों ना मैं अपनी मतलब अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से समझाऊं कि अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो, कि ये वीपीएन आखिर चीज़ क्या, क्या भला क्या है और ये कैसे हेल्प करती है ब्लॉक्ड वेबसाइट्स को चलाने में। जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल इंटरनेट में कुछ ब्लॉक हो चुकी है इंडिया में, तो उसको चलाने के लिए हम वीपीएन का यूज़ करते हैं। तो वीपीएन काम कैसे करता है, एक ऐप या एक वेबसाइट कैसे आपका जो ब्लॉक साइट है जो कि आपके जो इंटरनेट प्रोवाइडर द्वारा ही जो के द्वारा ही जो ब्लॉक की गई है या फिर आपके रिलीजन में मतलब आपके रीजन में ब्लॉक की गई है, जैसे इंडिया में ब्लॉक की गई है, तो आप इंडिया में बैठ के उसको कैसे चला सकते हैं। तो बेसिकली गाइस चीज़ बड़ी सिंपल है कि जैसे ही आप कोई यहाँ पर अपने कोई यूआरएल टाइप करते हैं अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, पीसी में, कोई भी जगह जहाँ पर भी इंटरनेट चलता है, जब कोई यूआरएल टाइप करते हैं तो वो यूआरएल एचटीटीपी जो भी वो प्रोटोकॉल्स हैं उसके उससे जो रिक्वेस्ट जाती है और वो ढूंढती है कि वो जो वेबसाइट है वो किस सर्वर में है। और जब भी कोई वेबसाइट जो है ब्लॉक होती है तो वो उस सर्वर को ब्लॉक किया जाता है उस रीजन में। और जब हम उस सर्वर से कोई उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तब पता चलता है कि जो वापस पेज आ रहा है वो उस आईपी से आ रहा है, तो जिसको कि ब्लॉक किया गया तो उस पेज को रास्ते में ही ब्लॉक कर देता है, मतलब उसको हमारे तक नहीं आने दिया जाता या फिर हमारी रिक्वेस्ट वहाँ तक नहीं जाने दी जाती। तो अब काम करते हैं वीपीएन। बेसिकली वीपीएन क्या चीज़ है, वीपीएन क्या करता है कि उस जो सर्वर है उसको करता है बाईपास। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ सर्च की तो वो डायरेक्टली जो है वो मेरे जो डिवाइस है उससे डायरेक्टली उस सर्वर पर नहीं जाएगी, वो रास्ते में किसी और सर्वर से होते हुए उस पर जाएगी जहाँ पर वो साइट ब्लॉक नहीं है। जैसे मैंने कुछ चीज़ सर्च की जो कि इंडिया में ब्लॉक है लेकिन यूएसए में ब्लॉक नहीं है, तो अगर मैंने वीपीएन पे जो सर्वर है वो यूएसए का चूज़ किया है तो वो पहले मतलब इससे जो है इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, वैसे नॉर्मल सी स्लो हो जाती है अगर, लेकिन काफ़ी स्लो भी हो जाती है वैसे, जैसे काफ़ी स्लो मान लीजिए उसको, तो जो आपकी रिक्वेस्ट है पहले यूएसए के सर्वर पर जाएगी, यूएसए का सर्वर उसको आगे उस वेबसाइट के सर्वर पर भेजेगा, उस सर्वर से वो साइट का जो कॉन्टेंट है वो यूएसए के सर्वर पर आएगा, यूएसए के सर्वर से वो कॉन्टेंट जो है वो आप तक आएगा। मतलब जो जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं या फिर रीजन है जो भी जिस भी तरह से वो ब्लॉक की गई है उसको पता नहीं चलेगा कि हम कौन सी साइट जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। मतलब हम जब वीपीएन यूज़ करेंगे तो उसको लगेगा कि हम यूएसए के सर्वर से कुछ जो है फेच कर रहे हैं, कुछ चीज़ जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसकी, उसको नहीं पता कि हम जो ब्लॉक साइट को उसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अब ऐसा ही कई जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है वो भी कई ऐसे जैसे शोज़ वगैरह होते हैं जो कि रीजन बेस्ड होते हैं, जैसे कई शोज़ यूएसए में चल रहे हैं, कई शोज़ यूके में चल रहे हैं, कई शोज़ इंडिया में चल रहे हैं वो बाहर नहीं चल रहे, मतलब वो अलग अलग देश में, उनको भी बायपास किया जा सकता है वीपीएन की मदद से। मतलब उनको ऐसा लगेगा कि जो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो यूएसए से आ रही है ना कि इंडिया से, और जो यूएसए है वो उस रिक्वेस्ट को इंडिया भेज रहा है, वो सर्वर इंडिया भेज रहा है और उससे, हाँ अभी यहाँ देख लीजिए आप ना, इससे जो चेन है वो लंबी हो गई इसलिए जो इंटरनेट है वो स्लो हो जाएगा, उसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि आजकल इंटरनेट का वैसे भी काफ़ी फास्ट है, तो अगर थोड़ा बहुत स्लो हो जाए तो हम जो उतना तो झेल सकते हैं। तो गाइस ये मेरा मतलब मेरे हिसाब से मतलब ऐसा ही है, आगे इसके अंदर प्रोटोकॉल्स हैं बहुत सारे, मतलब और दिमाग वाली बातें घुसेड़ी हुई हैं जो कि आप अगर उनको भी जानना चाहते हैं तो आप जाके सर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया हुआ है तो आप जाके देख सकते हैं। और मैं तो आपको इतना बताना चाहूँगा कि जितना मैंने आपको बताया है इससे आपको एक गैस लग गया होगा कि जो ये वीपीएन है ये कैसे काम करता है। अब वीपीएन की फुल फॉर्म आपको पता होगी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है जो कि वर्चुअल है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने ऐसे यहाँ पर अपना अलग से सर्वर लगा रखा है, वो नहीं, वर्चुअल मतलब इंटरनेट पर ही कोई सर्वर जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं अपने प्राइवेटली यूज़ के लिए। अब वीपीएन मोस्टली कई बार फ्री होते हैं, बहुत
मतलब कुछ सर्वर उनके फ्री होते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ VPN हब, तो उसका जो USA का सर्वर है वो फ्री है, मतलब आप उसके फ्री वर्जन से सिर्फ एक ही सर्वर चूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आपने USA के शोज़ देखने तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन आप अगर आपको बाकी के सर्वर से एक्सेस करने हैं तो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पेड वर्जन इसलिए क्योंकि इनको सर्वर्स को मैनेज करने के लिए कॉस्ट लगती है, इनको भी पे करना पड़ता है, इनको भी रेवेन्यू चाहिए, तभी भाई हमको ये चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं, है ना। अगर ये सर्वर्स इन्होंने बना रखे हैं उनको चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होंगे, डॉलर्स नहीं होंगे, तो कैसे काम बनेगा, इसलिए ये हमसे चार्ज लेते हैं। और बेसिकली ऐसे बहुत सारे VPN हैं जो फ्री भी हैं लेकिन वो आपको एड्स वगैरह शो करते हैं या फिर आपका डाटा वगैरह भी फेसबुक की तरह, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको फ्री VPN, लेकिन आप कर भी सकते हैं, ऐसी बुरी बात नहीं है, अगर आपको एड्स से कोई दिक्कत नहीं तो आप कर सकते हैं। बस गाइस इतनी सी बात थी, VPN का कॉन्सेप्ट इतना सा क्लियर हो गया। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और नीचे कमेंट करके बताओ अपनी राय, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो वो भी बताओ, क्योंकि मैं अपने मतलब मन से कुछ भी बोलता रहता हूँ, और एक मैसेज आया और ये गंदा वाला मैसेज, मैं इसको हटा दो, गंदा वाला मैसेज नहीं है, आराम से मैसेज व्हाट्सएप पर, कोई भी पता नहीं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, पता नहीं चश्मा लग गया है, अंधा हो गया हूँ। तो अगर आप कोई भी राय देनी है या फिर लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि मैं अपने मन से बोलता हूँ, जैसा भी मुझे लगता है दिमाग में, बोलता जाता हूँ, तो बताइए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, और मेरा ब्लॉग चेक कीजिए, नीचे जितने भी ब्लॉग्स हैं नीचे URL दिया हुआ है, जाओ और चेक देम आउट। ओहो अंग्रेजी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पीस आउट। जो